सुबह हो गई, कनॉट माता मंदिर, बहुत अच्छी रात निकली है गाड़ी के अंदर, परफेक्टली सेफ। खाना भी अच्छा, सोना भी बढ़िया, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया रहा। सुबह से खूब रश हो गया यहाँ पे, नाइस प्लेस। तो आज सुबह सुबह दूध पियेंगे चाय की बजाय, केसर वाला दूध है, केसर दूध। धन्यवाद। बड़ा तगड़ा बकरा है ये। बॉर्डर विजिट करने का परमिट मिल जाता है यहाँ से, बीएसएफ से, 9 बजे से लेकर शाम तक 4 बजे तक। एक सिंपल फॉर्म भर के देना होता है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिख के, नंबर ऑफ पर्संस, बस आपको परमिशन मिल जाती है। Thank you.
है इंडो पाक बॉर्डर धनोट, इंडियन फ्लैग है वॉच टॉवर के ऊपर, फिर बार्ब लाइन है, फिर वो जीरो पॉइंट है इंटरनेशनल बॉर्डर, उनकी सी छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके पीछे दिखाई दे रही है पाकिस्तान की वॉच टॉवर, उस पर भी झंडा नहीं लगा, शायद वो आया नहीं अपने बॉर्डर की देखभाल कर, कोई वहाँ ज़्यादा नहीं है। तो को ऐसे ही वाइल्डरनेस में छोड़ देते हैं, नॉट इन यूज, तो ये घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं बस ऐसे ही। वैगिंग वेरी 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 फास्ट, वो तो दौड़ रहा है, डर रहे हैं, बॉर्डर देख के वापस आ रहा हूँ। रास्ते में मैंने बहुत सारी भेड़ बकरियाँ, गाय, बॉल्ड, हिरन देखे, लेकिन कोई भी आदमी इसको इनके पीछे नहीं देखा। Looks good. अच्छा नहीं सर, एक तो वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ था, दूसरा मैंने पूछा था वो जो आर्मी वाले जवान खड़े थे ना, तो मैंने कहा मैं अमृतसर जाना है तो वाया मोहनगढ़, तो वो कहते यही रोड है, नहीं ये तो बॉर्डर का है। फिर अब मैं अब कहाँ से जाऊँ, वापस जाना पड़ेगा, वापस धनोट ही जाना पड़ेगा। अच्छा तुम गुरदासपुर दे हो ना, है तुहाडी भाषा, मैं अमृतसर तो। अच्छा वो दो सड़क एक इधरली पासे NH 368 जड़ी है। अच्छा ठीक है ठीक। रोड से जा रहा था मैं अभी रामगढ़ की ओर, तो थोड़ा स्लीपी महसूस हुआ, तो गाड़ी को यहाँ पेड़ के नीचे पार्क किया, पता नहीं चला
एक दो घंटे का, बहुत गहरी नींद आई, पता नहीं सदियों का थका हुआ था। बहुत खूबसूरत गांव है, टीले पे बसा हुआ, यहाँ जितने घर नजर आ रहे हैं उससे कम लोग नजर आ रहे हैं। ये रेत के टीले और छिटपुट कारें और दुकानें भी हैं एक दो। ये घटियाली, हाँ इस जगह का नाम है घटियाली। खूबसूरत ठहरा हुआ लेट बैक गांव, ये रेत के टीले, और ये घटियाली माता मंदिर, तनोट रोड। मुझे लगता है कि इस ट्रिप की ये सबसे बढ़िया साइट है। कितनी लेयर्स हैं सैंड ड्यून्स की, प्योर भी हैं। इन पे भेड़ बकरियां या इक्का दुक्का लोग, स्थानीय लोग ही जाते होंगे, टूरिस्ट नहीं आते इस ओर। ये रोड कहीं इधर जा रही है आगे, सुल्तानी 70 किलोमीटर के आसपास है, मुझे नहीं मालूम। ये वाइल्डनेस बहुत खूबसूरत है। ये गाय बैल भी मुझे देख के एकदम रुक गए, उनको भी अजीब सा लग रहा है कि ये कौन है। It's
चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था तुम, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। कुछ लोग जो जिंदगी में थे, जो चले गए, उनकी यादें कैसे जीना चाहिए, पता चला कि बहुत लंबी छुट्टी है। बस ढंग से जीना, भरपूर जीना, शायद सृष्टि ने हमें और हमें और चीज अच्छी जिंदगी से नहीं रोक, ढंग से जीना, अपनी सोच से आजाद होना पड़ेगा, अपनी उदास से, अपना खराब महसूस से, लोग क्या कहते हैं उससे बात करना पड़ेगा। लोग ना तो ढंग से जीते हैं ना जीते, बल्कि तुम्हारी खुद की सोच जो है वो भी अच्छी। जब भी आप खुशी से कुछ करते हो तो आपकी सोच आपको गिल्टी महसूस कराने की कोशिश करती है, तो इसी से आज़ाद होना ही जिंदगी, मतलब जिंदगी अगर जीनी तो इससे आज़ाद होना ही पड़ेगा। अजीब सफारी होती है अपने। Take the next right at Bhopal Singh Road. Continue for 1 kilometer. Take the next right onto National Highway 68.